डी प्रॉब्लम जो था उसमें ओके 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 सो हमें एक इंटीजर वैल्यू एन गिवन थी अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से रीड करोगे सो so, हमें एक इंटीजर वैल्यू एन गिवेन है एंड uh, उसका सपोज एक परमुटेशन uh, हमें फाइंड करना है उस परमुटेशन की खासियत यह है, है कि उससे अगर हम बी एरे एरे बी जनरेट करें सो so, जो एरे बी हमारा जनरेट होगा उसमें बी आई इक्वल टू जो भी प्रिफिक्स सम होगा ए वन से लेके ए आई तक का जो भी सम होगा उसका अगर मॉडलो करोगे आप एन के साथ तो उससे हमें बी आर ए मिल जाएगा एंड उसमें हम सुपर पोमटेशन कब बोलेंगे उस बी आर ए को जब बी वन प्लस वन बी टू प्लस वन एंड सो ऑन बी एन प्लस वन ये खुद एक परमुटेशन फॉर्म करेगा एन लेंथ का ठीक है अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें वो एरे ए फाइंड प्रिंट कर देना है ठीक है सो दैट्स इट अभी आते हैं डी वाले प्रॉब्लम में हमें क्या क्या गिवेन है ठीक है लेट मी चेंज द कलर सो डी वाले प्रॉब्लम में बेसिकली एन गिवन है हमें एक एरे ए फाइंड करना है ए बेसिकली एक पर्मोटेशन है एस एन का पर्मुटेशन वो एरे होता है जिसमें सारे एलिमेंट जो हों वन सेन के बीच में एंड यूनिक एलिमेंट्स हों ठीक है जो भी एरे ए में आए इस एरे ए से हमें एक बी एरे जनरेट करेंगे क्या प्रॉपर्टी होगी वी आई की प्रॉपर्टी होगी ए वन से लेके ए आई तक का जो भी सम है उसका हम मॉडलो करेंगे एन के साथ तो हमें बी आई की वैल्यू मिल जाएगी एंड हम बी को कब बोलेंगे सुपर प्रमोटेशन बी को सुपर प्रोमोटेशन तब बोलेंगे जब बी आई प्लस वन बी टू सॉरी बी वन प्लस वन बी टू प्लस वन एंड सो ऑन बी एन प्लस वन ये एक पमोटेशन फॉर्म करे किसका एन का ठीक है एन का प्रोमोटेशन ये भी फॉर्म करे सो so, हम सुपर प्रोमोटेशन बोलेंगे अगर ऐसा कोई अरे पॉसिबल है तो वो हमें प्रिंट करना है एन लेंथ के लिए ठीक है अगर पॉसिबल नहीं है तो नेगेटिव वन प्रिंट करना है ठीक है सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया एक बार वापस आप रीड करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे फर्स्ट हम केस वो कंसिडर करते हैं कब हमारे आंसर पॉसिबल नहीं होगा सो so, ये प्रॉब्लम प्योरली ऑब्जर्वेशन वाला था ये एक और एक प्रॉब्लम था प्योरली ऑब्जर्वेशन मैंने तो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके सॉल्व किया इसको ऑब्जर्वेशन क्या करना था जब भी हमारा एन की वैल्यू ऑड होगी तो आंसर पॉसिबल नहीं होगा आंसर इज नॉट पॉसिबल एग्जाम्पल ले लो सपोज स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्ड इज थ्री ओके एन इक्वल टू ऑर्ड आंसर इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट वन सिर्फ वन एक ऐसा ऑर्ड वैल्यू है जिसके लिए आंसर एग्जिस्ट करेगा बाकी किसी ऑर्ड वैल्यू के लिए नहीं करेगा रीजन बिंग सपोज एन है एन का एन इक्वल टू थ्री है इसके पोमोटेशन क्या हो सकते हैं वन टू थ्री वन थ्री टू थ्री वन टू थ्री टू वन टू वन थ्री टू थ्री वन यही यही पोमोटेशन छः पॉमोटेशन पॉसिबल है इस वाले में देखो इसमें देख क्या सकते हो आप फर्स्ट थिंग जो भी मॉडलो वैल्यू जनरेट कर सकता है मॉडलो वैल्यू ये हमारा एरे ए है इससे बी एरे क्या फॉर्म होगा इसमें देखोगी बी एरे फर्स्ट इज़ लाइक वन मॉडलो थ्री विच इज़ नथिंग बट वन नेक्स्ट क्या है वन प्लस टू थ्री मॉडलो थ्री कितना होता है जीरो फिर यहाँ पे क्या है थ्री है सो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया ये सम एंड सिक्स मॉडलो थ्री पे देख लो यहाँ पे जो जनरेट होगा वो होगा वन मॉडलो थ्री वन हो जाएगा फिर वन प्लस थ्री होता है फोर मॉडलो थ्री वो अगेन वन हो जाएगा एंड टू मॉडलो सॉरी फोर प्लस टू सिक्स मॉडलो थ्री क्या होगा जीरो होगा सो so, यहाँ पे जब वैल्यूज़ यूनिक ही नहीं है वैल्यूज़ यूनिक नहीं है तो हमारा फाइनल आंसर या बी आई प्लस वन प्रमोटेशन जो फॉर्म परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बी आई प्लस वन में ये और ये सेम वैल्यूज़ देंगी टू टू सो ये पमोटेशन की खासियत क्या होती है उसमें वैल्यूज सारे यूनिक होने चाहिए एंड वन से एन के बीच में होने चाहिए एन लेंथ का अगर देख रहे हैं ठीक है सो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हो रही हैं यूनिक प्रमोटेशन नहीं फॉर्म हो पाएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में भी देखोगे तो फर्स्ट इज़ इज़ीरो फॉर्म होगा नेक्स्ट क्या है जीरो प्लस वन वन नेक्स्ट है ज़ीरो क्यों थ्री प्लस वन फोर प्लस टू सिक्स मॉड सी थ्री क्या होता है जीरो होता है यहाँ के लिए भी वही हो जाएगा ज़ीरो टू ज़ीरो यहाँ के लिए आ जाएगा टू ज़ीरो ज़ीरो यहाँ के लिए आ जाएगा टू टू एंड ज़ीरो सो आप देख सकते हो यूनिक प्रोमोटेशन फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है एन इक्वल टू ऑड में यही सिर्फ एन इक्वल टू ऑड के लिए ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा एक रीज़न ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये जो जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनमें एक ना एक वैल्यू एन भी होगा और एन क्या होता है एन मॉडलो एन हमेशा ज़ीरो होते हैं एक बात याद रखो एक्स मॉडलो वाई इक्वल टू जेड है एंड एक्स प्लस ए मॉडलो वाई इक्वल टू जेड है ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी जब ए जो है ये मल्टीपल ऑफ वाई है ए मॉडलो वाई इज़ इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो सो ये एक प्रॉपर्टी होती है मॉडलो की ठीक है उसी प्रॉपर्टी की वजह से एक जब भी हमारा एन आएगा कहीं भी एरे में एन आएगा सो वहाँ पे क्या होगा मॉडलो वैल्यू रिपीट होगी मतलब यहाँ यहाँ तक इस सम ये जो सम था इसका मॉडलो जो आया था वही मॉडलो इस पूरे सम का आएगा जहाँ पे भी एन वैल्यू आ गई सपोज ये मॉडलो था ज़ीरो नेक्स्ट यहाँ का जो भी सम आया ये सम का जो भी मॉडलो आया वही इस सम का मॉडलो आएगा ठीक है सो ये एक रीज़न था एन इक्वल टू ऑर्ड के लिए कि उसमें यूनिक पमोटेशन फॉर्म नहीं हो रहे थे मॉडलो के परमुटेशन ऑफ मॉडलो फॉर्म नहीं हो रहे थे यूनिक मॉडल वैल्यू वैल्यूज हमें नहीं मिल पा रहे थे ठीक है ये एक रीज़न था ये एक और रीज़न था कि एन इक्वल टू ऑर्ड में क्या होता है जो भी सम होता है एलिमेंट्स का एक हम कंसिडर क्या कर रहे हैं बी फॉर्म करने के लिए प्रिफिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं ए का ए वन से लेके ए आई तक का सो so सपोज सारे एलिमेंट्स का सम भी तो एक प्रिफिक्स होगा एक केस में सो so जो भी सम होता है एन एलिमेंट्स वन से लेके एन एलिमेंट्स आप लोगे कंसिक्यूटिव वन का सम निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ठीक है सो ये वैल्यू भी क्या है एन की मल्टीपल होती है किस वाले केस में जब जब हमारा एन ऑड होता है सो so, यही वो रीजंस हैं कि हमें यूनिक मॉडलो वैल्यू नहीं मिल पाएंगी एन इक्वल टू ऑड के केस में सो so, जब जब हमारा एन ऑड होगा हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा हम नेगेटिव वन प्रिंट कर देंगे एन इक्वल टू ईवन वाले केस में आ जाते हैं जब भी हमारा एन even है सो एन इक्वल टू इवन के केस में क्या होगा हमें ऑब्जर्व करना था एन इक्वल टू इवन के केस में आंसर हमारा पॉसिबल होगा आंसर हमेशा ऑलवेज पॉसिबल होगा एंड उसका केस आप कंसिडर कर सकते हो केस इज़ लाइक सपोज मैंने जो ऑब्जर्व किया था सपोज एन इज़ फोर सो so, इसके जो वैल्यूज जनरेट हो सकती हैं मॉडलों की यही हो सकती हैं जीरो वन टू वन थ्री सो मैं क्या कर रहा था फर्स्ट वैल्यू मैं मैं ऐसे फॉर्म कर रहा था स्मॉलेस्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट फर्स्ट बिगेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड बिगेस्ट ऐसे मैं सारे वैल्यूज को फॉर्म करते जा रहा था मॉडलो वैल्यूज को फॉर्म करते जा रहा था एंड इट वॉज राइट ऑब्जर्वेशन आंसर भी करेक्ट था लाइक like सिक्स ले लोगे तो उसमें क्या होगा सिक्स के मॉडलो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो मैं क्या जनरेट कर रहा था फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट बिगेस्ट वैल्यू सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड बिगेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड बिगेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड बिगेस्ट सो ये मॉडलो वैल्यूज मैं इस ऑर्डर में जनरेट करना चाहता हूँ सो so अब यहाँ पे देखो जीरो जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है सिक्स यहाँ लेना पड़ेगा अगर मैं फ़ाइव यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ फ़ाइव लाना पड़ेगा तभी क्या होगा सम हो जाएगा इलेवन इलेवन मॉडलो सिक्स क्या होता है इलेवन मॉडलो सिक्स होता है हमारा फाइव अब इलेवन है यहाँ तक का सम इलेवन में क्या ऐड करूँ कि वन आए सो इलेवन में आप टू ऐड कर दोगे तो सम हमारा थर्टीन हो जाएगा एंड थर्टीन मॉडलो सिक्स इज़ नथिंग बट टू ठीक है सिमिलरली यहाँ पे क्या ऐड करूँ अभी मेरा करेंट सम थर्टीन है थर्टीन में क्या ऐड करूँ कि मेरा मॉडलो फोर आए सो so, थर्टीन में आप थ्री ऐड करोगे ना तो हमारा सम हो जाएगा सिक्सटीन एंड सिक्सटीन मॉडलो सिक्स क्या होता है फोर होता है ठीक है अब मेरा करेंट सिक्सटीन है अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि मेरा सम मॉडलो सिक्स आप करो तो टू आए यहाँ पे तो सिक्सटीन में आप देखोगे कि फोर ऐड करूँगा तो सम मेरा ट्वेंटी हो जाएगा एंड ट्वेंटी मॉडलो सिक्स इज़ नथिंग बट टू सिमिलरली यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि मेरा मॉडलो जो है वो थ्री आए सो वन ऐड करोगे तो हमारा सम हो जाएगा ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन मॉडलो सिक्स करोगे तो थ्री आएगा सो so, सिक्स के केस में ये एक वैलिड आंसर है वैलिड पमोटेशन है या आंसर ए है वैलिड अरे ए यही ऑर्डर यही ऑब्जर्वेशन डी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन डी को मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व किया है ठीक है इसका कुछ ऐसा वर्ड uh, वैलिड कुछ पर्टिकुलर वे में हमें वो नहीं करना था ऑब्जर्वेशन बेस था ये वाला प्रॉब्लम भी इस वाले में देख लो फोर वाले केस में स्मॉलेस्ट जीरो यहाँ जनरेट करने के लिए फ़ोर का होना ज़रूरी है फोर में क्या ऐड करूँ मैं कि मुझे यहाँ पे मॉडलो थ्री मिले फोर प्लस थ्री जो भी सम करूँ उसका मॉडलो थ्री फोर के साथ करने पे थ्री मिले सो so, थ्री करना पड़ेगा तब क्या हो जाएगा सम सेवन हो जाएगा सेवन मॉडलो फोर इज़ थ्री अब यहाँ सेवन सम है मेरा उसमें क्या ऐड करूँ कि उसका मॉड सम का मॉडलो करूँ फोर के साथ वन तो मिले सो यहाँ पे टू ऐड करोगे तो मेरा सम हो जाएगा नाइन नाइन मॉडलो फोर क्या होता है वन होता है अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ नाइन है करेंट सम क्या ऐड करूँ कि मेरा मॉडलो वैल्यू फोर के साथ टू मिले सो नाइन में आप क्या ऐड कर सकते हो यहाँ पे वेट सम क्या है फोर थ्री सेवन टू नाइन वन टेन या वन यहाँ पे ऐड करोगे सो so, तो आपको मॉडलो वैल्यू टू मिल जाएगा क्योंकि टेन मॉडलो क्या होता है फोर टू होता है सो फोर थ्री टू वन एक वैलिड आंसर है वैलिड प्रोमोटेशन सो ऐसे ही ऐसे ही मैं क्या कर रहा था मैं सारे वैल्यूज़ के लिए एक जनरलाइज फॉर्म ले लिया लाइक फर्स्ट यहाँ पे स्मॉलेस्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू नेक्स्ट इज सेकेंड सॉरी फर्स्ट बिगेस्ट वैल्यू यार फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट बिगेस्ट वैल्यू सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू सेकेंड बिगेस्ट वैल्यू थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू थर्ड बिगेस्ट वैल्यू एंड सो ऑन ऐसे ही मैं मॉडलों को जनरेट करते रह गया ठीक है मॉडलों को जनरेट करते रह गया एंड जो जो मुझे एडिशन के लिए रिक्वायर्ड था वो मॉडलो जनरेट करने के लिए वो वहाँ पे मैं करता गया एंड मुझे वैलिड आंसर मिल गया ठीक है सो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड था